संप्रदाय के हो या अस्पताल पर हमला हुआ हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर हमला हुआ हो, दो हमारे जाबांज पुलिस अफसरों की हत्या हो गई, एक पथराव में मारा गया, एक की हत्या कर दी गई, ये सभी 50 मामले हमने तीन SIT, दो थी एक और बढ़ा रहे हैं, तीन SIT के अंदर बांटकर इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन DIG और IG कक्षा के अधिकारी की सुपरविजन में हमने शुरू करा है। तो जो 50 गंभीर मामले हैं उसको हमने अलग लिया गया है। कई सारी घटनाओं में मान्यवर निजी हथियार चलने की भी घटनाएं आई हैं, ज्यादातर लाइसेंस बगैर के थे, ज्यादातर कंट्री मेड थे, ऐसे 49 मामले दर्ज किए गए, क्योंकि इजाओं पर से, मृत्यु के कारण पर से मालूम पड़ता है कि गोलीबारी से मरा है, लाइसेंस हथियार था या नहीं था वो भी ऑटोमेटिक था या कंट्री मेड था वो भी मालूम पड़ता है। ये सब चीजों का ध्यान कर 49 मामले हमने दर्ज किए हैं। वो मामलों के अंदर 52 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और लगभग 125 जितने हथियार भी हमने जो राइड्स में उपयोग किए गए थे वो जब्त कर दिए हैं। मैं ये अब तक के आंकड़े कह रहा हूं, मैं नहीं मानता ये पर्याप्त है, और गहन जांच चल रही है, मगर ये अब तक किया जा चुका है। ये कहा गया कि भाई सामाजिक समितियां, शांति समितियां, दोनों संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा बिठाने का प्रयास करना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 तारीख की सुबह से ही हर पुलिस थाने के, दिल्ली के जहां रायट से नहीं, दिल्ली के हर पुलिस थाने की शांति समितियों की बैठक बुलाना शुरू कर दी थी और 26 तारीख तक ही हमने 321 अमन कमेटी की बैठकें बुलाकर सभी संप्रदाय के धर्मगुरु, सभी संप्रदाय के चुने हुए लोग, सभी पार्टियों के चुने हुए लोग और सभी संप्रदाय के लीडरान को इकट्ठा कर पुलिस ने दंगे न फैले इसलिए अपने अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए उनको विनंती करी थी। जो लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है, नाम हमारे पास उपलब्ध है, एड्रेस हमारे पास उपलब्ध है, उनकी सारी डिटेल हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर आती है, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए 40 से अधिक विशेष दलों का गठन किया है। वो उनके घर पर जाकर उनके फोन के ट्रेसिंग कर उनके आसपास पास पड़ोस में पूछकर उनको गिरफ्तार करने का स्पीड बढ़ा रहे हैं और गिरफ्तार करने का प्रयास करें। उनका स्पेशल यही काम है, वो 40 दल जो है वो इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं करते, सिर्फ गिरफ्तारी करने के लिए सबके घर पर जाकर जो हमें मिला है। अब ये सवाल आया कि षड्यंत्र है, ऐसा मैंने कहा, वो मैं बाद में आऊंगा, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ सदन को बड़ी गंभीरता के साथ, मैं संस्था का नाम अभी देना नहीं चाहता, परंतु 24 तारीख के पहले ही हमारे पास एजेंसियों के माध्यम से सूचना आ चुकी थी कि पैसे विदेश से भी आए हैं, पैसे देश से भी दिल्ली में आए हैं और पैसे दिल्ली में बांटे गए, और वो पैसे जो बांटे गए हैं उनके लिए हमने उस वक्त ही जांच शुरू कर दी थी, मगर दुर्भाग्य से जांच प्राथमिक रूप से चल रही थी और दंगा हो गया। अब मैं इतना कह सकता हूं कि हम बहुत जल्द दिल्ली पुलिस इसकी घोषणा करेगी, मगर पैसे भेजने के लिए, पैसे लेने के लिए, हवाला करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए हमने 5 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी कर दी है। कल 2 हुए थे, आज 3 हुए हैं, कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हमने कर दी है। इसके आधार पर मैंने कल सदन में कहा था कि षड्यंत्र है। स्पेशल सेल दिल्ली ने सारे सोशल मीडिया को जब देखना चालू किया, अवरेन साहब ने मुझे एक सवाल पूछा, बड़े शार्प क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई आपने कितने अकाउंट सील किए हैं, सैकड़ों अकाउंट बंद करा दिए, जो दंगों के पहले और दंगों के दरमियान भी ये करते, मगर कुछ अकाउंट ऐसे निकले हैं जो दंगे के 2 दिन पहले शुरू हुए और 25 तारीख की रात को 12 बजे के पहले बंद हो गए, और उस पर केवल और केवल घृणा फैलाने का, नफरत फैलाने का, दंगा भड़काने का, अलग अलग प्रकार के बयानों को दिखाने का यही काम हुआ। तो ये जो बंद हुए हैं,
वो भी शायद मेरा भाषण सुन रहे होंगे, उनको लगता होगा कि हमने बंद करे बच गए, पाताल में से ढूंढ कर